मामला था तो मौजूद क्या था कि वकील कैसा है, डॉक्टर कैसा है, किस तरह से बन गया वो अपने साथ डॉक्टर का हकीम एक लफ्ज लगा देता है मगर वो मेडिसिन का मेडिसिन की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं। तो मैं इसी मौजू पे एक बात बताता हूँ कि एक तारीख में लिखा गया कि एक बादशाह सलामत वो बिस्तर मर्ग पे पहुँच गया बीमारी की वजह से। जितने हाजक थे, तबीब थे, मसीहा थे, पूरे मुल्क से बुलाए गए कि बादशाह सलामत को जो है ना वो अल्लाह करम करे तो उससे जाप हो जाए कि मुल्क का सारी बागडोर जो है उनके हाथ में है। लोग बड़े परेशान हाल हैं, कुछ मुर्दा हैं, रंजीदा हैं, वो खुश हो जाए। करते करते क्या हुआ कि जैसे जैसे तबीब, हाजिर, मसीहा अपने अपने नुस्खा जात देते रहे, बीमारी जो है ना वो बढ़ती गई। आखिर यहाँ तक कि बादशाह सलामत कभी एक सांस आए कभी जाए, उनके अजीज़ो अकारब बेटियाँ, बेटे, बेगमात जो मलकाएँ थी उनकी, वो रो बैठे। एक लड़का वहाँ पे 18 साल उम्र है उसकी, वो दरबार में यकदम वहाँ पे आता है, हाजिर हुआ और वो कहने लगा जी बादशाह सलामत का इलाज मैं करूँगा। तो वो तमाम हाजिक मसीहा इनामो ग्राम के लिए या अफसोस के लिए बैठे थे, तो वो लड़का कहने लगा जी कि मैं ये इलाज करूँगा। तो सारे हैरान व शस्त्र रह गए, हंसना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये देखो कल का बच्चा और ये कहता है कि मैं बादशाह सलामत को जिंदगी बख्श दवा मेरे पास है, मैं जिंदगी दोबारा से अल्लाह ताला की तरफ से मांगूंगा और ये नुस्खा दूंगा, मैं इलाज करूंगा। सब ने इनकार किया मगर बादशाह सलामत गनूदगी की हालत में वो सुन रहा था। वो सुनते सुनते बड़ी नुकाहत, बड़ी कमजोर आवाज में कहा कि इसको मेरा इलाज करने दो, इसको मौका दे दो। सब ने बादशाह सलामत का हुक्म वो तस्लीम खम किया और वो इलाज के लिए उस बच्चे को मुंतखब कर दिया। करते करते वो इलाज जब उसने स्टार्ट किया तो वो इलाज इस तरह से अल्लाह ताला ने उसके हाथ में शफा दी थी कि ग्रेजुअल प्रोसेस, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कुछ दो हफ्ते के बाद बादशाह सलामत बिस्तर से उठ बैठा। आखिर और चंद दिन दवा खाई और फिर वो चल पड़ा। बादशाह सलामत ने कहा कि मांगो जो कुछ मांगना है, मैं तुझे अपनी आधी ममलकत देने के लिए भी, सल्तनत देने के लिए भी तैयार। तो ये सोने की अशरफियों के अंबार लगे हुए हैं, ये सारे तेरे। इनामो कराम की जनाब भरमार हो गई। वो बच्चा क्या कहता है, कहता बादशाह सलामत मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ये सोने की अशरफियाँ चाहिए, ना मुझे आधी सल्तनत चाहिए, मेरा एक काम कर दें, मेरी एक इल्तजा है आपके सामने। बादशाह सलामत कहने लगे जल्दी बोलो, आपने मुझे ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला के हुक्म से दी है, आपकी दवा से, आपकी मसीहाई से मुझे ये ज़िंदगी मिली। तो वो कहने लगा जी क्योंकि पहले ज़माने में किताबें सिर्फ बादशाह के दरबार में हुआ करती थी, लाइब्रेरियाँ जितनी थी वो बाहर नहीं थी, बाहर को किताब पढ़ ही नहीं सकता था। बादशाह सलामत को उसने कहा कि मेरी दस्तबस्ता एक गुजारिश है कि मुझे अपनी लाइब्रेरी में मताने की इजाज़त दे। उन्होंने कहा क्या मांगा आपने। खैर उसको मुताले की इजाज़त दे दी बादशाह साहब। जब वो पढ़ना शुरू हुआ तो उसने कहा ये चंद किताबें जो है ना मुझे अनायत कर दी, वो किताबें भी दे दी। बादशाह सलामत कहने लगा कि ये क्या आपने मांगा है, क्या मांगा है, किताबें मांगी हैं आपने, मुताला मांगा है। खैर जी वो करते करते कमर साहब वो बच्चा वहीं पे मुताले में इस कदर मह रहा कि करते करते वो एक नामवर शख्सियत बना। बादशाह सलामत अपनी उम्र पूरी करके बुढ़ापे में चला गया, उसी की ज़िंदगी में उसका नाम हुआ
वो अबू अली सीना था जिसका तारीख शाहिद है। तो इसलिए जो अल्लाह ताला ने किसी को शऊर दिया है, किरत दी है, अकल दी है, दानाई दी है, दानश्वर बना दिया है, वो मशहूर हुआ है वो हकीम, तबीब, हिकमत और दानाई का बादशाह। तो उसके सामने किताबें और बूटियाँ और वो जिनसे मेडिसिन बनती है वो बोला करती हैं कि मैं इस मर्ज में हुआ।